हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल आरएस गेमिंग में। भाई एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो गाइस आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है आपके लिए। तो भाई चैनल पर जो भाई पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं गेम्स रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर रखना। तो गाइस आज की हमारी वीडियो इंडिया रेलवे सिमुलेटर गेम से रिलेटेड है कि वो गेम प्ले स्टोर पर कब तक आएगा या नहीं आएगा। आज इसके ऊपर मैं सारी बात क्लियर करूँगा और आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से कि गेम ये कब तक आ सकता है या नहीं आएगा। तो गाइस देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस गेम की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 से हुई थी और आप सभी को पता है कि इसको दो ढाई साल हो चुके हैं इस गेम को, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ था। पहले गाइस मतलब कि मैं बताऊँ कि इसमें जो सबसे पहले मैं बताऊँ इसमें ये एक प्रॉब्लम थी जो मतलब कि ये जो बड़े बड़े फ़ोनों में जिसके 8 GB रैम और 6 GB रैम है उनमें ये वर्क कर रहा था और उनमें भी ये लैग कर रहा था ये गेम। और गाइस मैं बताऊँ इसके जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी हद तक बहुत ही रियलिस्टिक बनाए थे। पर गाइस इसमें कोई बग्स फिक्स नहीं, बग्स वगैरह थे मतलब कि काफ़ी सारे मतलब कि इसमें लैगिंग प्रॉब्लम थी भाई। तो इसके कारण ये गेम अनरिलीज हो गया था। और जो इस मतलब कि मैं बताऊँ इसमें जो क्या बोलते भाई ये गेम अनरिलीज हुआ था मतलब कि पहले वो प्ले स्टोर पर आ चुका था पर प्ले स्टोर पर वो किसी ने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि ये उन डिवाइसों के लिए सपोर्ट नहीं था जो जिनके डिवाइस 2 GB 3 GB 4 GB तक के डिवाइस थे और उनसे जो ऊपर तक के डिवाइस थे 6 GB रैम बगैर 6 GB रैम तक के डिवाइस और 8 GB रैम तक के डिवाइस में ये वर्क कर रहा था पर उनमें भी ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था भाइयों। तो इसके चक्कर में ये इसकी कंपनी ने पता नहीं इस गेम को प्ले स्टोर से ही हटा दिया था। अब गाइस मैं बताऊँ ये गेम आएगा या नहीं आएगा। तो गाइस इसके डेवलपर इनके डेवलपर का कोई पता नहीं है कि ये इस गेम के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर गाइस ये गेम आपको अभी भी मिल जाएगा उस पर मतलब क्रोम ब्राउज़र से अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो। गाइस मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो मेरे इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बिना कैप्चर फील करे। अगर आपका डिवाइस अगर 8 GB तक का सपोर्टेड है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस मैं बताऊँ तो इस गेम में मतलब कि बोलूँ तो मैं गाइस ये बहुत ही बढ़िया गेम था पर गाइस इसमें कोई मतलब कि अपडेट नहीं आई और नहीं कोई इसमें चेंजेस करा गया तो गाइस ये ऐसे ही रह गया है गेम। तो गाइस अगर आप आपको डाउनलोड करना है तो मेरी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइस वीडियो को नहीं खत्म।